संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में अनुच्छेद 131 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। अनुच्छेद 131 में क्या बताया गया, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन होगा? तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, वह कहाँ होगा? अनुच्छेद 1 के 3 में। अगला है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह है संसद को। भारतीय प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? राज्य तो 28 हुए, राज्य कितना? 28। संघीय प्रदेश तो 8 संघीय प्रदेश हुए, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी क्या है, सम्मिलित है। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। अगला, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अधिकतम जो सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, वह है 20। अगला, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो यह किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, 30 अक्टूबर 2019 को। अगला, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह था वर्ष 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का पुनर्गठन किया गया था। समझ। अगला, कि भाषाई आधार जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस के पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो यह है आंध्र प्रदेश, जो भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 संघ राज्य का बनाया। अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य है, किस वर्ष बनाया गया? तो सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को किस पर? जनमत संग्रह पर हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन जूनागढ़ को जनमत से, हैदराबाद को सैन्य से। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित है तो भारत के साथ क्या क्या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। जम्मू कश्मीर के रियासत के शासक ने, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम है। संघ और संघ 1 में अनुच्छेद 1 में संघ
राज्य क्या है? भारत के बारे में राज्यों का संघ यानी संघ के क्षेत्र का नाम है। दूसरा मैंने क्षेत्र नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के रक्षा क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ये सारे 3 अनुच्छेद में। और 2 में क्या था? नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। 3 में क्या? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून हैं जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके। ऐसा अनुच्छेद 4 में वर्णित है कि जो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापन का संसद का अधिकार है उस पर संशोधन, और जो नए राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन को भी संशोधन करने का अनुच्छेद 4 में बताया गया। अगला, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले के विशेष राज्य असम को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पहले के विशेष राज्य को हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय मेघालय 1972 में, सिक्किम 1957 से 75 से 76 तक, अरुणाचल प्रदेश को 1986 से लेकर 1987 तक, और नागालैंड को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर को 72 में, त्रिपुरा को 72 में, और मिजोरम को 86 से 87 में। अगला है परिषद, क्षेत्रीय परिषद। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सम्मिलित हैं, और दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। धन्यवाद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, बिहार, जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, सिक्किम है। ये है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय का परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज। अगर पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय तो मुंबई, जिसमें गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हुआ। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, चेन्नई दक्षिण, जिसमें आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, पुडुचेरी हुआ, तेलंगाना हुआ। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगले, भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राजधानी और भाषा। राजस्थान का जिस राजधानी जयपुर, भाषा, जिला, क्षेत्रफल, कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना, यानी देखिए यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इसका राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसका ये सारे राज्य एवं राजधानी दिया हुआ, और इसके जिलों की संख्या, इसके जिलों की संख्या, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है।